हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप ए बी सी इज ऑप्शन ए अलोंग ए बी सी इफ आई डिक्रीजेस, अलोंग ए सी बी इफ ऑप्शन बी अलोंग ए सी बी इफ आई इंक्रीजेस, अलोंग ए बी सी इफ आई इज कॉन्स्टेंट, अलोंग ए बी सी इफ आई इंक्रीजेस। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का थियोरी हमें ये कहता है कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर produces a magnetic field which in turn induces a current in another conductor close by. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले ये जो डायग्राम है उसको पहले हम एनालाइज करेंगे, फिर करेक्ट ऑप्शन को मार्क करेंगे। तो हमें ये डायग्राम दिया गया है कि देयर इज दिस करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस स्ट्रेट वायर। तो अगर हम लेफ्ट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे, so if this is the direction of the current, so we will actually get the direction of the field, magnetic field to be, so agar hum thumb ko left thumb ko current ke direction mein represent karenge to jo fingers curl ho rahe, so that will be giving the direction of the magnetic field from the left hand thumb rule. The current in XY gives rise to a मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम इन टू द पेज मानेंगे, सो वी कैन राइट दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ विच इज इन टू द प्लेन। तो अभी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, सो इट विल इंड्यूस अ करंट इन दिस सर्कुलर लूप जो ऊपर बैठा है। सो वी हैव दिस टू बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इनटू का मतलब वो प्लेन के इनटू जा रहा है, सो देयरफॉर इट विल एसेंशियली प्रोड्यूस अ करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि ये लेंजेस लॉ से द करंट induced in the circular loop will oppose the magnetic field. So
करंट का डायरेक्शन अभी होगा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो अभी देयरफॉर वी कैन से करंट इंड्यूस्ड इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. नाउ क्वेश्चन पे जाके हम करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे. सो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप ए बी सी इज अलोंग ए बी सी इज आई डिक्रीजेस अलोंग. तो अभी हम ये देख रहे हैं कि आई कॉन्स्टेंट है तो इट इज अ कॉन्स्टेंट करंट. सो एंड वी विल हैव अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज बींग प्रोड्यूस्ड ओनली इफ आई इज कॉन्स्टेंट. सो एंड इट विल बी अलोंग ए बी सी. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अलोंग ए बी सी इफ आई इज constant. So the correct answer to this question is option C. Hope you have understood it well. Best of luck.